नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालना महंगा पड़ जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदान से बचने वालों पर शिकंजा कसने को नया आदेश जारी किया है। वोट डालने वालों की पहचान आधार कार्ड से होगी और उस कार्ड से लिंक उनके बैंक अकाउंट से 350 रुपए कट जाएंगे। आयोग ने सभी बैंकों को इस आदेश पर अमल करने के लिए कहा है। आयोग ने इस बारे में सारी तैयारी कर ली है। आयोग के प्रवक्ता ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदान की तैयारी सभी मतदाताओं को ध्यान में रख कर की जाती है। जो मतदाता वोट डालने के लिए नहीं आते हैं, उनकी तैयारी पर आयोग ने जो खर्च किया होता है वह बेकार जाता है। इस चुनाव में मतदान के लिए प्रति वोटर 350 रुपए का खर्च आ रहा है। इस वजह से वोट डालने किन आने वाले वोटर्स के अकाउंट से 350 रुपए काटे जाएंगे। जिन वोटर्स के बैंक अकाउंट में 350 रुपए नहीं होंगे या जिनके बैंक अकाउंट नहीं होंगे, उनसे यह पैसा मोबाइल फोन के रिचार्ज के वक्त कट जाएगा। इसके लिए मिनिमम 350 रुपए का चार्ज कराना होगा। इससे कम रकम से फोन रिचार्ज ही नहीं होगा। कोई वोटर इस आदेश के लिए कोर्ट न जाए, इसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने पहले ही कोर्ट से मंजूरी ले ली है। इसके खिलाफ अब याचिका भी दायर नहीं हो सकती। बुरा न मानो, होली है। वेरी हैप्पी होली फ्रॉम ग्लोबल। डिस्क्लेमर: इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, यह मजाक है और किसी को आहत करना इसका मकसद नहीं है।